हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर ज्ञान गोदावरी पर एक बार फिर से बहुत स्वागत और अभिनंदन है। फ्रेंड्स, हम लोग अपनी क्लास के अंदर कैलेंडर पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास की वीडियोज आपने देख लिया होगा और पिछली क्लास में हमने आपको दो तीन होमवर्क किए दिए हुए थे और उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी है कि आपने उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। फिर भी मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको उन क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके दिखा दूं, तो देर किस बात की। चलिए आज के कार्य की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल अपना चलेगा कैलेंडर का। तो आप अपनी कॉपी पर हेडिंग दे दीजिए तुरंत कैलेंडर, और कैलेंडर के अंतर्गत आपने स्टार्ट किया है सारा बेसिक पढ़ लेने के बाद। पिछले पार्ट्स आपने देख लिए होंगे और क्वेश्चन नंबर 5 आपने सॉल्व किया था, तो मैं भी आपके साथ सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि भाई 15 नवंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये एक आपका प्यारा सा प्रश्न था, इसे आपको सिंप्लीफाई करना था। अगर आपने इस क्वेश्चन को देखा और सॉल्व किया है तो आपको ये पता है कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे। आप हमें बताइए, सबसे पहले हम इसका विभाजन करेंगे। अगर मैं इसके विभाजन की बातें करूंगा तो देखो, ये 15 नवंबर लिखा गया, इसका तात्पर्य ये है फ्रेंड्स कि 2017 साल तो ये कंप्लीट हमें मिल रहा है पूरा का पूरा, और यहां पर हम लोगों को मिल रहा है 1 जनवरी से 15 नवंबर 2018। तो स्पेशली 2018 वाले वर्ष में ये दिन हमारे पास होने हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्या है? विषम दिन दे दो, उत्तर ले लो। तो चलिए विषम दिन लीजिए। अब इसे कैसे तोड़ोगे? इसको तोड़ना है तो आपको याद होगा कि 2000 साल हम यहां कंप्लीट लिख सकते हैं। आपके पास जो 17 साल बचा, तो इस 17 में कितने लीप, कितने सामान्य होंगे, ये फैसला करना है आपको। ये फैसला करने के लिए हमने क्या कहा था, 4 से भाग दे देना, जितना भागफल आएगा उतने आपके लीप ईयर हो जाएंगे। तो आप हमें बताएं, 4 चौक 16 होगा, इसका तात्पर्य हुआ कि लीप वर्ष 4 होंगे। 17 में से अगर 4 को माइनस करिएगा तो 13, ये कैसे हो जाएंगे, आपके सामान्य वर्ष हो जाएंगे। अब जब हम आगे चलेंगे तो देखिए भाई, इसलिए हम यहां से लिख देंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज यानी कुल विषम दिनों की संख्या बराबर। अब आप हमारी जरा हेल्प करिए कि अगर मैं 2000 वर्षों में विषम दिन की बात करूंगा तो कितना आएगा भाई, 0 आएगा। कैसे, वो आपको पता नहीं कि 400 वर्षों में विषम दिन आपके कितने होने, 0, 300 वर्षों में 1, 200 वर्षों में 3, और 100 साल में 5 है। सारी बातें आपने पढ़ी है मेरे साथ। अब देखिए, 2000 साल, 17 सालों में ये लीप वर्ष है, और एक लीप वर्ष में दिन कितने विषम, 2, तो यहाँ 8 दिन आ गया अपने पास। ये 13 है, एक सामान्य वर्ष में विषम दिन 1 होगा तो 13 में 13 हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कर लें, फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। आपका एक ही फंडा काट के रख देंगे, किससे, 7 से। आप बताइए, अगर 8 में 7 की भाग देंगे तो विषम दिन कितना आएगा, 1 आएगा, और अगर आप 13 में 7 की भाग करिएगा तो विषम दिन कितना आएगा यानी शेष कितना आएगा, तो आप बोलोगे 6 आएगा। देखो कितनी अच्छी बात है कि 0 यहाँ से आ गया, यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 6 हो गया, तो सही बात है 7/7। तो फाइनली ये 1 तो आया, लेकिन हमारा जो विषम दिन यहाँ से मिला वो कितना है, 0 विषम दिन आ गया। इसका अर्थ ये है कि 2017 सालों में कोई विषम दिन हमें नहीं मिला। अब हमें सिर्फ इतना कैलकुलेशन करना रह गया, मैंने एक एक लाइन यहाँ आपके लिए सॉल्व कर दिया है। यहां पर आप हमें बताइए कि अब ये महीने में गणना करनी है। आपने सीखा कैलेंडर के पार्ट 1 में कि जब हमें महीने के दिन बताने होते हैं विषम कितने होंगे, तो 31 दिन वाले में कितने होंगे भाई, 3, 30 दिन वाले 2, 29 में 1, 28 में 0 होगा। और आपको याद है ना कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31 होंगे। ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। चलिए इसी की शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब आप मेरा साथ दीजिए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ जनवरी। तो बोलो, जब जनवरी कहोगे, जनवरी में 3, फरवरी, 2018 एक सामान्य वर्ष है, तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कितना आना भाई? 15/7। ये कैसे हमने लिखा आपको पता है ना, क्योंकि आपको पता है ये जनवरी है और ऐसे हर महीना लेकर के हम यहाँ नवंबर तक आ गए। तो भाई जनवरी 31 की है तो 3 दिन, फरवरी 28 की तो 0, मार्च 31 का तो 3, अप्रैल 30 का तो 2 दिन, और आपके पास यहाँ मई आ गया तो 3 दिन, जून आपका 30 है तो 2, ऐसे सारे हमने लिख दिए। देखो चाहे सारा नंबर जोड़ के आप 7 से डिवाइड कर दें या फिर आप छोटा छोटा इनको तोड़ते चले जाएं तो कैलकुलेशन आपका बेहद आसान होगा। मैं यही चाहता हूँ कि जब आप इसे हल करें तो 3 3 6 2 8, 7 से भाग दें, जितना शेष बचे यानी विषम उसको ऐसे सर्किल बना के लिखते जाएं। 1 आ गया यहाँ से, फिर देखो 3 2 5 3 8, यहाँ भी तोड़ लोगे तो 1 दिन आपको मिल जाएगा भाई। यहाँ देखिए 3 2 5 3 8, तो यहाँ से भी आपके पास 1 दिन आ गया है, और 7 2 14, 1 15, 1 दिन यहाँ आ गया। तो अब देखिए कहना, इसलिए कुल विषम दिन बराबर टोटल ऑड डेज। तो जब हमने यहाँ से कुल विषम दिन की बात कही तो यहाँ से देखिए 0 था, मैंने 0 ला के ऐड कर दिया, प्लस यहाँ से 1 2 3 4, मैं डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ, तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो हमने टाइप 1 पर आपके लिए वृत्तीय चार्ट बनाया है, जरा उसको पलट के अपनी कॉपी में देखिए 4 नंबर पे क्या लिखा है। तो 4 नंबर पे आप सबों को दिख रहा होगा कि वो बृहस्पतिवार यानी थर्सडे लिखा है, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आप इसे उतार चुके होंगे, हम तुरंत आप लिए क्वेश्चन नंबर 6 करना चाहेंगे। चलिए 6वां सवाल हम लोग पढ़ते हैं और उसको समझते भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 6। अब अगर 6 आ गया है तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसे जरा इंपॉर्टेंट कर देना, और अगर आपने इंपॉर्टेंट कर दिया तो ऐसे सवाल कैसे सॉल्व करने हैं वो हम आपको सिखा रहे हैं। यहाँ लिखा गया कि वर्ष 2007 के बाद, ठीक, वर्ष 2007 के बाद किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वर्ष 2007 की भांति होगा। आप सुनते ना, इतिहास खुद को दोहराता है, बस वही बात। यहाँ सेम कैलेंडर फिर कब रिपीट होगा, यह प्रश्न किया गया। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं पहले मैं बोर्ड पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर इसका मेथड आपको समझाऊंगा, तब आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा, ऐसे बोलने पे समझ में नहीं आएगा। अब कहते हैं कि 2007 के बाद किस वर्ष का कैलेंडर ठीक 2007 की भांति होगा। आपको क्या करना है, ऐसे एक सारणी बना लेनी है, और इस सारणी को बना लेने के बाद इसे 2 हिस्सों में बांट देना है। यहाँ पे आपको वर्ष लिखना होगा मेरे साथ, और यहाँ पर आप विषम दिन लिखिएगा। जिस वर्ष की बात करें उसी से आप इसे स्टार्ट करिएगा। तो इसने 2007 की बात कही तो 2007 यहाँ लिखिएगा, और इसमें विषम दिन। आपको याद होगा कि हम लोगों ने अपनी क्लास में यही पढ़ा है कि किसी भी साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 1 होंगे, और किसी भी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो ऐसे केस में अब देखिए 2007 एक सामान्य वर्ष है तो विषम दिन 1 होगा। ऐसे 2008 की बात करो तो विषम दिन 2 हो जाएगा। 2009 एक सामान्य वर्ष है तो विषम दिन 1 होगा। ये जो विषम दिन मैं बार बार लिख रहा हूँ ना मेरे भाई, इसको जोड़ते जाना, जहाँ ये 7/7 आ जाए इसका अगला वर्ष आपका उत्तर होगा। अगर 7 ना आए तो 14 आना चाहिए, यानी 7 के मल्टीपल में आना चाहिए 7 14, यानी आपने अब समझ लिया मेरी बात को। ऐसे बॉक्स बनाना है और विषम दिनों को जोड़ देना है, जोड़ने पर वह 7 14 21 28, इससे बड़ा कभी आता ही नहीं है, 21 तक नहीं आता, 7 14 बहुत है फिर भी। तो अगर इस तरह का नंबर आ जाए तो इसका जस्ट अगला आपका उत्तर होगा। तो अब हम लोग चलेंगे तेरी तलाश में, कब तक? जब तक 7 14 21 नहीं मिल जाता तब तक। तो चलो स्टार्ट, ऐसे ही अब आगे हम बढ़ते जाएंगे। 2009 तो आपका काम नहीं बना, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया 2010, तो 2010 जब हमने लिखा तो 1 दिन आएगा। फिर 2011 लिखता हूँ तब भी 1 आएगा। 2012 यदि मैंने लिख दिया
तो 2012 कैसा है आपको ये पता होगा कि 2012 एक लीप है, तो लीप ईयर होने के नाते हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखिए अगर हम इसको जोड़ने की बातें करेंगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि वास्तव में अभी तक कितना हुआ, 3, 4, 5, 1, 6। लेकिन देखो हम तो उम्मीद कर रहे थे 7 आएगा, ये अचानक 8 हो गया, इस नाते अब हम 14 की तरफ बढ़ेंगे। तो आप देखिए 2013 आप यहाँ लिखिए, एक दिन आ जाएगा, फिर 2014 में एक दिन जोड़िए, फिर 2015 में एक दिन जोड़ेंगे, 2013 में एक दिन, ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो 2014 हमारे पास आता है, यहाँ पर भी एक दिन होगा, फिर ये 2015 में भी आपका एक दिन आ जाएगा, फिर देखिए 2016 में आपके पास 2 दिन आएगा भाई, ऐसे ही 2017 में बढ़िए, तो 2017 में आपके पास कितने आएंगे, एक दिन आएंगे। चलिए अब हम लोग कुल विषम दिन पहले ऐड कर लिया जाए, तो कह दिया जाए कि चूंकि कुल विषम दिन टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज, तो आपको एक बात पता चली कि देखो 1, 2, 3, 3, 2, 5, 2, 7, 7, 3, 10 हो जाएगा, और 10, 2, 12, 1, 13, तो 13 यानी अभी एक घट गया हमारे पास, हम लोगों ने सही से जोड़ लिया ना भाई, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 1, 8, 2, 10, 2, 12, 1, 13, तो यानी 2018 भी आप यहाँ लिखिएगा क्योंकि हमारा ये 14 होना चाहिए, एक साल टोटल ऐड करने पर ये 14 आ गया, 14 को 7 से डिवाइड करिएगा कट जाएगा, आपका 0 विषम दिन आ जाएगा। तो जब 0 विषम दिन आ जाएगा तो आप कह दीजिएगा कि इसके बाद इसलिए नेक्स्ट ईयर यानी अगला वर्ष बराबर होगा मेरा आंसर। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, 10 सेकेंड में नहीं लग सकते, इनको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ऐसे आप लिखिएगा, और अगर 7/7 हो गया तो अगला वर्ष आंसर, 14/7 तब भी कट गया, 0 विषम दिन तो अगला वर्ष आंसर, आपको ऐसे ही इस तरह के सवाल को सॉल्व करना होगा। आपने देखा कि नेक्स्ट ईयर तो 2018 में आके समाप्त हुआ, आप यहाँ पे लगाइए क्वेश्चन मार्क, बराबर कितना आंसर बोलना चाहेंगे, 2019, यानी फाइनल क्या हुआ, 2007 का कैलेंडर फिर से कब रिपीट हुआ, 2019 में, यही आपके क्वेश्चन का आंसर था। सो फ्रेंड्स तुरंत चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, थोड़ा ये लॉन्ग था, मैंने आपको बहुत स्लो समझा दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 तुरंत उतारिए और साथ साथ हम लोग डिस्कस कर लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपने लगाया होगा तो आपका आंसर भी आ गया होगा, और आ गया है तो आप मिला लीजिए, नहीं लगाया है तो लगा लीजिए, ताकि जब मैं प्रैक्टिस कराऊं तो ऐसे सवाल हम लोग फटाफट उड़ाते जाएं। अब देखो 7 नंबर के क्वेश्चन में तो फिलहाल यही हमसे कहा गया कि भाई 1990 के बाद किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1990 जैसा होगा, तेरे जैसा यार कहाँ, विकल्प में है और कहाँ। तो ऐसे केस में अब 1990 को हमें रिपीट कराना है, हमने क्या किया, बिल्कुल पिछला वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ फिर से हम यूज़ करने जा रहे हैं, और आप हमारे साथ इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना शुरू करिए। यहाँ पर आप लिखिएगा ये वर्ष होगा, और यहाँ पर आप ले लें ये ऑड डेज यानी हमारे लिए विषम दिन, ये क्लियर होगा। यहाँ पे सबसे पहले 1990 लिखिएगा, 1990 में एक विषम दिन, फिर आप 1991 लिखिए, एक होगा क्योंकि सामान्य वर्ष है, 1992 में 92 देखो 4 से कट जाएगा, लीप ईयर है, 2 विषम दिन हो जाएगा, फिर आप 1993 करें तो एक होगा, 1994 लीजिए तब भी आपका एक हो जाएगा, अभी तक हुए 2, 2, 4, 2, 6, देखो 1995 हमने ले लिया तो यहाँ पर एक आ गया, और कितना अब आपका हो गया, 2, 2, 4, 3, 7 हो गया। यहाँ पे एक बहुत ध्यान देने की बात है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया कि एक नॉर्मल बच्चा है वो इस तरह क्वेश्चन को कभी सही कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि 7/7 आके कैंसिल हो गया। अभी हम ही ने सिखाया कि भाई अगला साल आपका आंसर होगा, बिल्कुल सही बात है, तब तो इसके हिसाब से 1996 आंसर होगा, और ये टोटल गलत है। क्यों गलत है वो समझना आपको।
अब वो बात हमें बतानी थी, इसीलिए हमने ये दूसरा सवाल पढ़ाया। 1990 बताओ कि साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो आपका जवाब होगा कि साधारण वर्ष है। और 1996 कैसा है भाई, लीप वर्ष है। अब आप बताइए कि साधारण वर्ष की फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष की 29 की होगी, तो क्या वो कैलेंडर कभी रिपीट होगा? 28 फरवरी की बात की हर तारीख और दिन तो गलत हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब मेरी बात पूरी सुनना कि ऐसे जब भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे तो लगाने का हमारा मेथड वही होगा, लेकिन आप सुनते हैं डायलॉग कि कौन का बदला खून, तो यहाँ याद रहे कैलेंडर का बदला कैलेंडर, तात्पर्य अगर लीप वर्ष है तो लीप का बदला लीप, और सामान्य वर्ष है तो सामान्य का बदला सामान्य, भले ही इस नियम का उल्लंघन करना पड़े तभी मेरा करेक्ट आंसर होगा। सो समझ गए? अब देखो यहाँ पे हम लोग घटना घटाते घटाते बच गए, इस नाते अब हमें तब तक चलना होगा जब तक 14 ना मिल जाए, और अगला वर्ष तभी करेक्ट आंसर होगा जब वो साधारण वर्ष हो। क्लियर है? सो हमने इसको यहाँ मिटा दिया, और इसे गलत सलत मत कर देना 96। तो अब चलो आगे, अब 96 यहाँ ले लो भाई। अगर आपने यहाँ पे 96 अब ले लिया तो ठीक है, अब ले लिया तो ले लिया। यहाँ पर हमने लिखा 1996, इसमें दो दिन ले लिया। फिर हमारे पास आया 1997, एक होगा। 1998 हमने ले लिया तो हमारे पास एक आया। 1999 मैंने लिख दिया, जरा विषम दिन जोड़ते रहना आप भाई, मैं लिखता जा रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया 2000, सन 2000 बड़ा ऐतिहासिक वर्ष है, यहाँ पे दो दिन। फिलहाल ये जोड़ो कि वास्तव में अब तक हुए कितने दिन, तो ये टोटल अगर आप फिर से निकालोगे कि कुल विषम दिन बराबर, तो कुल विषम दिन बराबर ये देखिए, दो दो चार हो गया, चार तीन सात हो गया हमारे पास, सात दो नौ, नौ तीन बारह, दो चौदह हो गया। 14 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 विषम दिन। और आपका कॉन्सेप्ट है कि इसलिए हमारा जो अगला वर्ष वो उत्तर हो जाएगा। तो 2000 के जस्ट आगे का वर्ष कौन सा होगा? 2001 होगा, और ये आपका 2001 ही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसे लगा लीजिए। मैं आपके लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने चल रहा हूँ, आठवां सवाल। अब देखता हूँ कि 8 नंबर पर आपके लिए क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए, साथ साथ मिलके लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा है कि वर्ष 2013 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा। अब पुनः कब लागू होगा यह जानने के लिए आपको सिर्फ वही काम करना है जो आपने अभी जस्ट पीछे किया। यहाँ पे आप शुरू कर दीजिएगा कि भाई हमें तो दो चीज़ें ही बतानी हैं यहाँ पे, तो दो चीज़ों में एक यहाँ पे आप रखिए वर्ष, और दूसरा आप रखोगे ऑड डेज यानी विषम दिन। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2013 से। तो भाई मैंने 2013 में एक विषम दिन लिख दिया, फिर मेरे पास 2014 आ गया तो एक विषम दिन, फिर मैंने लिखा कि 2015 मेरे पास होगा तो यहाँ पे 2015 में भी एक आ जाएगा। फिर मैंने ले लिया कि भाई ठीक है 2016 तो यहाँ पे दो मेरे पास आएगा, 2017 मैं ले लेता हूँ तो एक आ जाएगा। आप गिनते रहना कहीं सात हो ना जाए, तो 3 और 2 5 1 6 हो गया। अच्छी बात ये है कि इस बार बहुत जल्दी हम लोग निपट गए, ये 2018 आया और 2018 में भी हमारे पास एक ही विषम दिन होगा। अब आप सब हमें बताएं कि अगर एक विषम दिन ये होगा तो आप इसे फिर से क्या करोगे? टोटल ऑड डेज यानी कुल विषम दिन बराबर। भाई देखिए इसको जोड़ दिया था हमने, 3 2 5 5 2 7 7/7, हमारे पास से 0 विषम दिन आ गया था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा कि 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2018 के बाद 2019 आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो देखिए आप नवां सवाल आपको दिख गया होगा। अगर नवां आपको नज़र आया तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, चलिए 2 सेकंड में समझते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष था। ठीक है, अब कौन सा लीप वर्ष था इसके लिए ऑप्शन लिखे गए 4 आपके पास, ए बी सी और डी, ऑप्शन से ही उत्तर देना है। यहाँ पर लिखा है 1300,
यहाँ पे है 1100, अगला आपको लिखा गया 19 और नेक्स्ट है 2000। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि लीप वर्ष है 400 से भाग देना। किससे भाग देना आपको? 400 से। क्यों? क्योंकि देखो ये सारी शताब्दियां हैं और शताब्दी क्या होती है, वर्ष क्या होती है, सब हमने पिछली क्लासेज में सिखाई हैं। आप वहां से क्लास देखे होंगे, नहीं देखा है तो देख लीजिए। यही ऑप्शन आपका डिवाइड होगा, यानी 2000 आपका उत्तर हो गया। इसमें कुछ नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10 आप तुरंत देखिए, दसवां सवाल हम लोग करेंगे। दसवें सवाल का ऑप्शन हम लिखते हैं आपके लिए, आपके पास वैसे स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है, फिर भी मेरे साथ डिस्कस करना है इसलिए मैं लिख देता हूँ भाई। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन लिखा है 2002 और थर्ड में मेरे पास है 1976 एंड लास्ट ऑप्शन है 2012। बट हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, कौन सा लीप वर्ष नहीं था? लीप वर्ष नहीं था यानी वर्ष शब्द है, विकल्प में भी वर्ष ही छपा है, शताब्दियां नहीं छपी हैं, तो हम किससे काटेंगे? 4 से। जितने कट जाएंगे वो आंसर नहीं होंगे, जो 4 से नहीं कटेगा वो मेरा उत्तर होने वाला है। लास्ट का दो डिजिट चेक करो, देखो ये 92-4 से कट जाएगा ना भाई, तो इस नाते लीप वर्ष से मेरा उत्तर नहीं होगा, लेकिन 0-4 से कटेगा कभी नहीं, ये मेरा आंसर है, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 11 करना चाहूँगा। आप सब 11वां सवाल देखिए, आपको दिख रहा है 11 नंबर भी बहुत ही बेसिक सा सवाल है फ्रेंड्स। अगर 11 नंबर देखूं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो इसका सीधे आंसर हम लोग कर लेते हैं। कौन सा लीप वर्ष है? 82-4 से कटेगा? बिल्कुल नहीं। विकल्प बी का 17-4 में 0-4 से कटेगा? जी हाँ कटेगा। 78-4 से? नहीं। 45-4 से? नहीं कटेगा। तो 11वें प्रश्न का आंसर हमें डायरेक्टली विकल्प बी जिसमें 1704 लिखा है, ये लीप वर्ष है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए भाई टाइप 1 हम लोगों का पूरा हो गया है, अब हम लोग अपने टाइप 2 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए टाइप 2 थोड़ा स्टार्ट कर लेते, पढ़ना तो हम लोगों को है ही, तो टाइप 2 पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। तो अपनी कॉपी में आप भी हेडिंग डाल दीजिएगा टाइप 2। टाइप 2 का नाम लिखा है किसी अन्य तिथि को आधार मानकर पूछे जाने वाले प्रश्न। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, जिससे आपको आपकी परीक्षा में सवाल मिलना ही मिलना है। इनमें सबसे पहला प्रश्न लिखा है क्वेश्चन नंबर 12वां सवाल अगर मैं देखता हूँ तो 12वें क्वेश्चन में मुझे करना क्या है, सिर्फ आपको एक बात समझानी है। आप याद करिए जिस दिन हमने कैलेंडर का बेसिक पढ़ाया आपको, उस क्लास में हमने आपको बताया था तू ही पहला तू ही आखिरी। इसमें सिखाया था किसी भी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही उसका अंतिम दिन होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ लिख देता हूँ, एक बार आप फिर से यहाँ लिखिए ताकि एक एक सेकेंड उत्तर दे दिया जाए कि अगर सामान्य वर्ष होगा तो हम लोगों ने यही पढ़ा था कि फर्स्ट डे इज इक्वल टू लास्ट डे। बोलो भैया, यानी तू ही पहला तू ही आखिरी, जो पहला दिन वही उसका अंतिम दिन होगा। अब जरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। कहते हैं यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो, तो आप ही बताइए जो लीप वर्ष नहीं होगा वो सामान्य वर्ष होगा, का पहला दिन शुक्रवार है। तो अगर पहला दिन शुक्रवार होगा तो फ्रेंड्स आप झट से बताओ अंतिम दिन क्या होगा? शुक्रवार होगा, और बिना किसी टेंशन के ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए जल्दी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कुछ नहीं करना है, सीधे आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप तुरंत देखिए, साथ साथ समझ लिया जाए। अगर आप 13वां प्रश्न देख रहे हैं तो वहां लिखा है कि यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष ना हो, अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष, अगर वो लीप वर्ष नहीं है तो क्या होगा? सामान्य वर्ष होगा। अधिवर्ष ना हो का पहला दिन रविवार है, तो आप ही बताइए अगर पहला दिन रविवार तो अंतिम दिन रविवार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 डायरेक्टली मैं यहाँ संडे लिख देता हूँ, रविवार, ये आपका उत्तर। इसमें कुछ नहीं लगाना था, आपका करेक्ट आंसर हो गया। मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 14 कराऊँगा। 14 नंबर आप देखिए आपके स्क्रीन पर शोर है, और अगर उस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो 14वां सवाल, 14 में क्या भाई सवाल है, यदि 1 जनवरी 1992 को, डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया, सॉरी, आप लोग प्लीज़ उसे करेक्ट कर लेना क्वेश्चन में। 1 जनवरी 1922 है, वो बाय मिस्टेक हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग करेक्ट कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन था कि 1 जनवरी 1922 को
को मंगलवार है, तो प्रश्न ये था कि 31 दिसंबर 1922 को कौन सा दिन होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आपने करेक्शन कर लिया होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे, तो सबसे पहले ये चेक करो कि ये वर्ष कैसा सामान्य है कि लीप वर्ष है। तो निश्चित तौर पे आप लोग बताओगे कि 1922 कैसा है, एक साधारण वर्ष है यानी सामान्य वर्ष है। अगर साधारण वर्ष है तो जो पहला दिन है वही उसका अंतिम दिन होगा, इसलिए बताओ क्वेश्चन मार्क बराबर बिना हल के आंसर क्या होगा, मंगलवार होगा, इसे कंप्लीट करिए। चलिए भाई, आज की क्लास के लिए हम लोग अपना अंतिम क्वेश्चन 15वां जरा देखेंगे, फिर इसके आगे हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। 15 नंबर पे क्या लिखा, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है तो उसका अंतिम दिन क्या होगा। बताओ साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है वही उसका अंतिम दिन होता है, लेकिन लीप वर्ष में जो पहला दिन होता है उससे उसका अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। तो आपको कुछ संकोच नहीं करना, सीधे 15 डालिएगा, यहाँ डायरेक्ट लिखना क्वेश्चन मार्क बराबर जो दिन देगा उसमें एक दिन जोड़ देना। तो इन्होंने बुधवार आपको लिख करके दे दिया, तो बुधवार में आप +1 ऐड कर दें, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार आपका करेक्ट आंसर होगा। और हमारी आपकी मुलाकात आज के लिए इतनी होगी, हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।